साल 2020 तक सिंदरी खाद कारखाना शुरू हो जाएगा। इस कारखाने के फिर से चालू हो जाने से करीब 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, इलाके की तस्वीर भी बदल जाएगी। बंद कारखाने को शुरू कराने में सरकार की पहल की चौतरफा सराहना हो रही है। सिंदरी खाद कारखाना खुलेगा, लोगों को मिलेगा रोजगार, इलाके की बदलेगी सूरत। रघुवर सरकार ने पूरा किया वादा। करीब 15 साल बाद सिंदरी में रौनक बढ़ेगी, इलाके में खुशहाली आएगी और ये सब मुमकिन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास के संकल्पों के चलते। साल 2002 में घाटे की वजह से सिंदरी खाद कारखाना को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दिन बदल गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से इसे फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की इस पहल की चौतरफा सराहना हो रही है। बहुत हर्ष की बात है कि फिर से कारखाना खुलने जा रहा है। मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में फिर से चालू होने जा रहा है। मोदी सरकार फिर इसके लिए तत्पर है और सिंधी कारखाना चालू होने से यहाँ के वासियों के लिए बहुत ही फायदे की बात आएगा। बाल बच्चों को नौकरी मिलेगी, पढ़ाई मिलेगा। बहुत जल्द जो है हर कंपनी इसको खोलने जा रही है और मोदी जी इसका आज उद्घाटन करेंगे। बहुत खुशी की बात है, यहाँ के 25,000 युवकों को नौकरी मिलेगा, जैसे यहाँ के जो है उनको भी कुछ फैसिलिटी मिलेगा, जैसे घर हुआ। ये बड़े हर्ष की बात है सिंदरी वासियों के लिए कि 15 साल के बाद फिर से सिंदरी गुलजार होने वाली है। 5 कंपनियों के एक ज्वाइंट वेंचर में इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, सीआईएल कोल इंडिया, एफसीआई और एचएफसी के ज्वाइंट वेंचर में कारखाना सिंदरी वाला बहुत जल्द खुलने वाला है। जो नई कंपनी बननी है हर्ल, उसके तहत हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग जो इतने दिन से संघर्षरत थे उसका परिणाम सामने आ गया है और संभवतः शीघ्र ही मोदी जी आकर के इस कारखाने का शिलान्यास करेंगे। सिंदरी खाद कारखाना को एनटीपीसी, कोल इंडिया, एफसीआई, ओएनजीसी और आईओसी के ज्वाइंट वेंचर से शुरू किया जा रहा है। ये कारखाना गैस आधारित है, जिसमें करीब 12,70,000 मीट्रिक टन खाद का उत्पादन किया जाएगा और 2018 तक गैस पाइपलाइन बिछा ली जाएगी। अब बस इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी और सीएम रघुवर के हाथों इस खाद कारखाने में लगा ताला हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।